अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसुफ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि हम अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट कर चुके हैं, और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर जो हमने फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था सेकेंड ईयर के हवाले से, वो था पीरियड्स, और पीरियड में हमने चैप्टर वन को डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम ग्रुप्स की बात करने लगे हैं, और ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर टू है MDCAT केमिस्ट्री के हवाले से। और ग्रुप्स के अंदर हमने लास्ट अपने लेक्चर्स के अंदर कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हैलोजन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स, यानी हम हैलोजन्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हम देखेंगे और उनसे मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो जानेंगे, ताकि हमारे पास जब ये इंफॉर्मेशन हमारे जहन में होगी तो इससे रेलिवेंट अगर कोई एक MCQ बनता है तो वो MCQ जो है हम प्रॉपर वे में उसे सॉल्व करने की जो है वो हम क्या करें एबिलिटी रखते हों। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन्स को डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारा जो चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 11 है MDCAT सीरीज़ का, यानी 9 चैप्टर्स हमने जो है अपने फर्स्ट ईयर के जो बुक थी उसमें से बनाए, और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, अपने 11 चैप्टर पहुंच चुके हैं ओवरऑल सेकेंड ईयर के साथ, यानी MDCAT केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन्स की, तो जैसे हमने ये बात लास्ट टाइम भी देखी थी कि हमारे पास जो हैलोजन्स हैं ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और इसके अलावा एस्टेटीन हमारे पास जो है वो होती है। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं कि जो हैलोजन्स के फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, हैलोजन्स जिनको हम कहते हैं, और ये ग्रुप 7A है जो कि हम जिसके बारे में लास्ट में भी इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि इनके जो 4 फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दे आर टिपिकल और दे आर नॉर्मल हैलोजन्स। ठीक है, यानी इनकी एग्जिस्टेंस है। लेकिन हम जब एस्टेटीन की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि एस्टेटीन जो है ये हमने आर्टिफिशियली तौर पे प्रिपेयर किया है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, और हमने इसको लेबॉरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था इन 1940s। ठीक है, तो 1940 के अंदर हमने इसे, यानी एस्टेटीन जो है इसको हमने प्रिपेयर किया था, और ये क्या है, इसके तमाम के तमाम आइसोटोप्स जो हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और सबसे स्टेबल आइसोटोप जो इसका है वो है हमारे पास एस्टेटीन का 210 और 85, और जिसकी हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 8.5 आवर्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टेटीन है जिस मैंने आपसे डिस्कस किया। यानी हम अगर देखें तो ये हमारे पास जो तमाम मेंबर्स हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब हैलोजन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें 4 जो शुरू के एलिमेंट्स हैं दे आर स्टेबल, ठीक है, दे आर नेचुरली एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर हम एस्टेटीन की बात करते हैं तो एस्टेटीन बेसिकली तौर पे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, यानी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड से मुराद ये है कि हमने इसको प्रिपेयर खुद से किया है, ठीक है, और लेबॉरेटरी में इसको सिंथेसाइज किया है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन हमने इसको प्रिपेयर किया है, और 1940s के अंदर ये जो है प्रिपेयर हुआ था। और तमाम के तमाम जो आइसोटोप्स हैं एस्टेटीन के वो रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं, और रेडियो एक्टिव के बारे में हम जानते हैं कि ये वो एलिमेंट्स यानी वो आइसोटोप्स होते हैं कि जो कंटिन्यूसली तौर पे स्पॉन्टेनियसली तौर पे क्या करते हैं, रेडिएशन के इमिशन करते हैं अपने अंदर से। ठीक है, और सेकेंडली जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है एस्टेटीन का वो है 85 to 10, जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 8.5 आवर्स है। ये है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ के मुतालिक हम कह रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टेटीन है जो मैंने आपसे शेयर की है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि हम एस्टेटीन के हवाले से एज सच कोई बात नहीं करते। आप चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 में ही हम ग्रुप 7A और 8A को डिस्कस करते हैं अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हैलोजन्स की बात करते हुए, तो उसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड्स भी डिस्कस करते हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स को मेन फोकस करते हैं। एसिटीन क्यों हम नहीं पढ़ते, हम क्यों एसिटीन की प्रॉपर्टीज और इनके कंपाउंड्स और इनके रिएक्शंस को डिस्कस नहीं करते, इसीलिए कि ये रेडियो एक्टिव है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, इतना स्टेबल यानी अनस्टेबल जो है ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास
पास कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेटीन है. अब हम इस एसेटीन की इन्फॉर्मेशन के साथ फॉरवर्ड मूव करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स की बात करेंगे. मैंने यहाँ पर आपको शुरू में ही एसेटीन के हवाले से क्लियर कर दिया कि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है. तो नेक्स्ट जो मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पहले जो फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं इनके हवाले से ही डिस्कशन करूँगा और इन्हीं को मेन फोकस में लेकर आते हुए आपसे वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस तमाम पॉइंट्स को और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो हमने आपसे शेयर करनी है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की, तो हम ये बात कहते हैं कि फिजिकल स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो जो पहले दो मेंबर्स थे यानी फ्लोरीन है और क्लोरीन है, दे एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म. ठीक है, वाइल ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड विल बी द इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, यानी ये आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट टू मेंबर्स यानी कि क्लोरीन और यानी फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, ठीक है, फर्स्ट टू मेंबर्स हमारे पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर गैसेस. ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा. और उसके बाद अगर हम देखते हैं आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल अपेयरेंस है या फिजिकल स्टेट है जिसमें कि ये एग्जिस्ट करवाते हैं. अब अगर हम बात करते हैं इन गैसेस के ऑर्डर की बात करते हैं यानी स्मेल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इरिटेटिंग स्मेल है इनकी. ठीक है, इनकी जो स्मेल होती है वो इरिटेटिंग स्मेल होती है. और सेकेंडली तौर पर हम ये भी कहते हैं कि ब्रोमीन एक्चुअली तौर पर जब बर्निंग प्रोसेस होता है यानी अगर हमारा कोई पार्ट जो है अगर इस गैस यानी इस ब्रोमीन लिक्विड से जो है वो बर्न होता है तो जो हमारे पास आप कह लें कि जख्म जो है बनेगा ना, ठीक है, वो स्लोली तौर पर हील होगा. ठीक है, बर्न फ्रॉम बाय द ब्रोमीन विल हील स्लोली. ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बनता है. तो हम राइट कर लेते हैं, फर्स्ट हम कह रहे हैं कि इरिटेटिंग स्मेल है इन सबकी, इरिटेटिंग स्मेल है. और दूसरी बात हमने जो कही है इस वक्त वो कही है हमने कि ब्रोमीन बर्न विल हील स्लोली, के बर्निंग फ्रॉम ब्रोमीन, ठीक है, जो उससे हमारा जो जख्म है जो है वो बनेगा वो स्लोली तौर पे ठीक होगा. ठीक है, ये हमारे पास मेन पॉइंट इसका. ठीक है, अब अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो हम ये बात कहते हैं जैसे हमने ये देखा भी हुआ है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया हुआ, एटॉमिक साइज डिस्कस हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं ग्रुप्स के हवाले से. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हैलोजन्स की और पर्टिकुलरली हैलोजन के ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें कहते हैं कि इनका जो साइज है वो क्या होता है, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है यानी हम ऊपर से नीचे को जाएंगे. यानी जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे को जाते हुए इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा. ठीक है, एटॉमिक साइज ऑफ द हैलोजन विल ऑलवेज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप इनका साइज इंक्रीज करते हैं. साइज इंक्रीज करते हैं, और जब साइज इंक्रीज करते हैं तो इसी से ही रेलेवेंट एक और पॉइंट निकलता है, वो है पोलराइजेबिलिटी. सो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस. अब ये पोलराइजेबिलिटी क्या होती है ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं. Polarizability also increases. अब इसका मतलब क्या होता है, देखें हम ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी ले चुके हैं कि डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप के अंदर हम बात करेंगे तो एटम्स जो हैं उनका साइज इंक्रीज करता है ग्रेजुअली तौर पे. ठीक है, अब एटम का साइज क्या हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, देखें हम ये बात जानते हैं. आपने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये बात देखी होगी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं जिनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, हमने इसी से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है. हम ये बात पढ़ेंगे कि ये जो हैलोजन्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. ठीक है, Cl2, F2, Br2, I2 की फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो जब ये इन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये टिपिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. अब इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करेगी कि कितनी आसानी से ये मॉलिक्यूल अपने अंदर पोल्स को क्रिएट करेंगे.
यानी पोल्स के क्रिएट करने की एबिलिटी को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। यानी किसी एक मॉलिक्यूल जो है उसकी अपने अंदर पोल्स क्रिएट करने की सलाहियत को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। जब किसी एक मॉलिक्यूल में पोल्स क्रिएट हो जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन फोर्सेस जो हैं वो बनेंगे भी और स्ट्रॉन्गर भी होंगे, ठीक है। तो ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज। जैसे जैसे आप किसी एक मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज करते हो, यानी एटम के साथ मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे जो पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी उसी चैप्टर के अंदर जब हमने इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया था। हमने ये बात देखी थी कि जब हमारे पास एक पोलर और नॉन पोलर इंटरैक्ट कर रहे हों या दो नॉन पोलर इंटरैक्ट कर रहे हों तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का अमल काज होता है। जब साइज ऑफ द एटम बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन फोर्सेस कम होंगी, वीकर जो है वो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी। तो इस तरह का जो हमारे पास एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन करवाना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का मतलब कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ और नेगेटिव चार्ज को एक तरफ जो है वो क्या करना, सिमेट देना, ठीक है। ये करना आसान है लार्जर साइज के एटम के लिए या मॉलिक्यूल के लिए। अगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम छोटा है तो उनमें तो अट्रैक्शन फोर्स ही जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी, तो इस तरह के एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन मुमकिन नहीं होगी या बहुत थोड़ी होगी, इसमें पोलराइजेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी का बेसिक मकसद यही है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हम सिंपली ये बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज में इंक्रीजमेंट आएगी वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, वैसे वैसे इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी रेज कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट था। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास ये जो हैलोजेंस हैं दे हैव द एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। यानी ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म्स बनाएंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास यानी F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम ये बात कहते हैं जैसे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हम इसकी बात कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से हम कहते हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। और ये क्यों पॉइंट हम ले रहे हैं, इसकी भी रीजन बता दूंगा आपको। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप सो देयर एबिलिटी या हम इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट कर लें तो बेहतर होगा। यानी हम सिंपली यहां तक रखते हैं अपने पास, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इनकी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज करती है। और ग्रुप 7 जो हमारे पास है इट इज 7th ए ग्रुप, ठीक है, जो कि आप सिंपल कह लें कि राइट टू लेफ्ट जाते हुए लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पर ये ग्रुप पाया जाता है। तो इनकी फिर आयनाइजेशन एनर्जी बाकी के तमाम जो मेंबर्स हैं पीरियड मेंबर्स हैं उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से इतना ध्यान रखेंगे अभी फिलहाल कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं और उसको रिलेट करते हैं विद द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उससे हम रिलेट कर लेते हैं। तो हम ये बात कहते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने ये देखा था, डिस्कस भी किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो यहां पर यही बात हम यहां मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज
electron affinity decreases down the group. अब इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये बात देख रहे हैं कि चूंकि ये ग्रुप जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर मौजूद है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी बाकी एलिमेंट्स के निस्बत इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से भी यही बात डिस्कस करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम सिंपली इन दो पॉइंट से जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो ये है कि ये जो हैलोजन्स एटम हैं दे हैव द ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फिल दियर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने आउटर मोस्ट शेल जो है इसे कंप्लीट आउट करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इस बात को रिलेट करते हैं इसकी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स जो फैमिली है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंड होती है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो हम ये बात जानते हैं कि ये जो सेवेंथ ए ग्रुप है जिनको हम हैलोजन्स कहते हैं ये बिलोंग करता है ब्लॉक पी से, और ब्लॉक पी का सिंपली मतलब ये है कि इनमें पी सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस होगा। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि वो एन पी सेवन होती है, मतलब जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर एन पी फाइव, ठीक है, एन पी फाइव होती है एन एस टू, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आउटर मोस्ट शेल की देखें तो हमारे पास होता है एन एस टू फील्ड होता है और एन पी फाइव होती है, ठीक है। अब जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि चूंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ये बता रही है कि इनके पास आप कहने की एबिलिटी होती है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करें और अपने ऊपर क्या करें नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट करवाते हुए अपने आप को स्टेबल कर लें, ऑक्टेट कंप्लीट आउट कर लें, ठीक है। तो हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सेवन इलेक्ट्रॉन है, दे रिक्वायर जस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक लेंगे और अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देंगे अपने आप को एक स्टेबल स्पीशी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा आप ये बात जानते हैं, हमने लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हम क्या करेंगे हैलोजन्स को कंबाइन करेंगे विद फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप दे ऑलवेज फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और अगर अदर देन हम उस ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि ये जो है फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और फिर कोवेलेंट में भी वेरी करता है पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें और इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें तो हम ये बात कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी तमाम एलिमेंट्स के निस्बत ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, बाकी एलिमेंट की निस्बत ज़्यादा होती है। आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी फोर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स जो हैं जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, ठीक है। तो जो हैलोजन्स हैं पर्टिकुलरली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। यानी आप ये बात जानते हैं, ठीक है, कि जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन्स की बात करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.12 है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो चूंकि ऊपर से नीचे आते हुए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी वो डिक्रीज कर रही है तो हम ये बात कहते हैं कि डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं इन हैलोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हैं अबाउट द हैलोजन्स एटम, ठीक है, और हैलोजन्स के ग्रुप के हवाले से हमने कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। इस हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।